साहब, जो भी व्यक्ति इस समय अपने आप को कल के अवतार जान रहे हैं तो उन्हें समझ लेना होगा कि क्या वास्तव में वह सही है। अपने आप का आंकलन करें। जिस शरीर के अंदर ध्यान योग के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो करके अनहद नाद बजाती है, अर्थात गायत्री उत्पन्न होती है, तीनों इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का जो से बहने वाली जो ऊर्जा होती है, और वह एक मधुर लय ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, उसको गायत्री कहते हैं। तो जिस शरीर के अंदर यह अनहद नाद रूपी नाद ब्रह्म जागृत हो जाता है, इसे ही ब्रह्म कहा जाता है, यानी ईश्वर कहा जाता है। जिस शरीर के अंदर यह प्रकट हो जाता है, अवतरित हो जाता है, और नाद एक तो हो गया नाद ब्रह्म, अनहद नाद जागृत हो जाते, दूसरा शब्द प्रकाश, यानी जिस शरीर के अंदर करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा तेज प्रकाश प्रकाशित हुआ हो, वह कल के अवतार के समकक्ष या कल के अवतार हो सकता है। तो आइए अपना आंकलन करें। सतनाम सत्य।